हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा। आज मैं लेके आई हूँ मैगी की कुछ नई तरह की डिश। चलिए शुरू करते हैं। मैगी का पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी बॉईल कर लेंगे। मैंने मेजरिंग कप से 2 कप पानी बॉईल करने चढ़ा दिया है। पानी मेरा बॉईल हो गया, मैंने इसमें 2 पैकेट मैगी ऐड कर ली है। मैंने नॉर्मल वाली मैगी यूज़ की है, आप चाहे तो आप आटा मैगी भी यूज़ कर सकते हैं। मैगी के साथ मैं डालूंगी इसमें कुछ वेजीज। उसमें मैंने ली है कॉर्न, टमाटो, कैप्सिकम एंड ऑनियन। ये मैं थोड़ी थोड़ी इसमें डालूंगी, बाकी की वेजीज मैं बाद में यूज़ करूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दी हूँ मैगी का टेस्ट मेकर। मैंने 2 पैकेट मैगी ली है, मैं 2 पैकेट टेस्ट मेकर डाल दूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच बटर, थोड़ी सी ऑरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स को एकदम ड्राई होने तक कुक करेंगे। मैं इसे कवर करके कुक कर लूँगी। मैगी हमारी अच्छा से पक गई है, बस अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये मैगी को हम एक कटोरी में जमाएंगे। हमें गोल कटोरी लेनी है, कोई भी साइज़ की आप ले सकते हैं, मैंने इस साइज़ की ली है। मैं इसमें ये भर के मैगी निकाल लूँगी। मैगी बहुत गर्म है, सावधानी से आप डालिएगा। मैंने ऐसे 2 कटोरी में मैगी जमा ली है। अब इसके लिए मैं बनाऊँगी एक सॉस। ये एक टेबल स्पून मैंने लिया है चिली सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है टमाटो केचप, और इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी ऑरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। मैंने मैगी कटोरी से निकाल ली है, अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी पिज़्ज़ा सॉस। मैंने दोनों मैगी के ऊपर अच्छा से लगा दिया है सॉस। मैं डाल दूंगी खूब सारी चीज़, मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आपके पास जो चीज़ है आप वो ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये वह चीज़ जो मैंने रखी थी, थोड़ी सी कॉर्न, थोड़े से टमाटो, थोड़ी सी कैप्सिकम और थोड़ी सी ऑनियन। इसमें भी मैं ऐसे ही लगा दूंगी, थोड़ी सी ऑरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब मैं इसको बटर में थोड़ा सा टोस्ट करूंगी। मैंने 1/2 चम्मच बटर फ्राई पैन में रखा है, उसके ऊपर मैं रख दूंगी ये मैगी। मैंने ये दोनों मैगी को फ्राई पैन में बिठा दिया है और थोड़ा सा बटर लगा दिया है। अब ये थोड़ी सी नीचे से क्रंची हो जाएगी और चीज़ हमारी मेल्ट हो जाएगी, तब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अच्छा से मेल्ट हो गई है, मेरी कचौरी मैगी पिज़्ज़ा रेडी है अब सर्व के लिए। मैं इन्हें अब डिश आउट करूँगी। मेरा कचौरी मैगी पिज़्ज़ा रेडी है अब सर्व के लिए। मैंने कुछ नया ट्राई किया है मैगी के साथ। मैगी तो आपने बहुत बार खाई होगी, एक बार कुछ अनोखी तरह से खाइए, ये आपको खा के बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।